जैसलमेर एक्सप्लोर करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं सम डेजर्ट में। यहाँ पे एक्चुअल सैंड ड्यून्स दिखाई देंगे और रोड्स बहुत ही अमेजिंग है, ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर है, आसपास का टोपोग्राफी बहुत अमेजिंग है और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ गाड़ी चलाने में। मतलब ठंडी ठंडी हवा चल रही है। हिना डेजर्ट कैंप काफ़ी मैसिव साइट है, काफ़ी सारे टेंट लगे हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मतलब मैं गिनना नहीं चाहता ये। अरे कितने कितने कैंप हैं आपके भैया? 40 कैंप हैं यहाँ पे भाई। दो लोगों के हिसाब से तो ये काफ़ी बड़ा है, काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है। अंदर देखते हैं बाथरूम। अभी एक एक करके एक्टिविटीज़ स्टार्ट करते हैं, मैं आपको पूरा बताऊँगा कि यहाँ पे क्या मुझे अच्छा लगा क्या नहीं अच्छा लगा। डेजर्ट सफारी करेंगे, मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ डेजर्ट सफारी के लिए। वीर भी सबसे ज़्यादा एक्साइटेड है डेजर्ट सफारी के लिए। वैशाली और वैशाली है कैमल राइड के लिए, क्योंकि ये और कुछ कर नहीं सकती है, आपको पता है क्यों। बड़ी ना कन्फ्यूजन वाला स्टेट हो रहा है अभी इस समय, क्योंकि वैशाली जैसे आपको पता है कि 7th मंथ प्रेगनेंट है। आज तो हमने फ़ोटोशूट भी करना था, पर वो जीप वाले भैया कह रहे हैं कि भैया इसमें तो झटके लगेंगे बहुत ज़्यादा सफारी। अब उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे भैया सफारी तक हम थोड़ा स्लो चलें और वहाँ पे झटके ना लगें। हाँ वैशाली, लेट्स सी कि अगर वो कैमल राइड तक ड्रॉप कर देते हैं, अदरवाइज मैं रहती, आप जाओगे। तो भैया से पहले बात करनी है कि ये कैसे खतरनाक तरीके से चलाएंगे। जैसे झटके आने वाले होंगे ना बता देना पहले। वैशाली आराम से, हाँ बड़ा ही अमेजिंग सा डेजर्ट है भाई। अलग फन है यार, अलग फन है। ओ भाई भाई मजा आ गया, भाई मजा आ गया। ये क्या बात है, सारा मजा आया नहीं आया। अपने साथ एक कांड हो गया है, हम लोग ड्रोन उड़ा रहा था मैं यहाँ पे सैंड ड्यून्स में, और भाई कुछ ट्रांसमिशन का प्रॉब्लम आया, मेरे पास एरर आया, IMU एरर। ये ऑल्टीट्यूड एरर होता है, इसमें पता नहीं क्यों आया क्या आया, बट IMU एरर आने के बाद एयरक्राफ्ट नॉट कनेक्टेड लिखा हुआ आ गया। थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि जो अपनी ये जो ड्रोन था वो आउट ऑफ रेंज हो गया। आउट ऑफ रेंज होने के बाद थोड़ी देर के लिए फिर से कनेक्शन में आया था, पर इसके बाद आ गया लिखा हुआ कि ट्रैक माई ड्रोन। मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, क्योंकि अगर एक बार अंधेरा हो गया फिर ड्रोन मिलना नामुमकिन है, फिर तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है ड्रोन मिलना यार। कुछ जल्दी मेरे को पहुंचना पड़ेगा, मेरे को अंधेरा होने से पहले पहुंचना पड़ेगा। इस डायरेक्शन में दिखा रहा है, मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मैप एग्जैक्टली इसी जगह पे लाके इसने मेरे को खड़ा कर दिया, पर यहाँ पे कहीं पे भी मेरा ड्रोन मिल नहीं रहा है। तो यार आई एम जस्ट एक लाख सवा लाख रुपए का ड्रोन है, और वर्स्ट पार्ट इज उसमें इतने फुटेजेस हैं, सारा राजस्थान मैंने उसी ड्रोन में कवर किया है, और अब ना वो अगर ना मिले ड्रोन तो बड़ा दिक्कत वाला सीन है भाई। मैं ढूंढ ढूंढ के थक गया हूँ, कहीं ड्रोन नहीं दिख रहा, कहीं भी ड्रोन नहीं दिख रहा है। इसी पोजीशन से मैंने ड्रोन उड़ाया था और अब वो कहीं मिल नहीं रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं, किससे बात करूं, देखा कैसे हो।
मैंने एक दो मैंने मतलब मोटा मोटा मैं यहाँ पे इस रेगिस्तान में करीबन 1.5 से 2 किलोमीटर चल चुका हूँ ड्रोन को ढूंढते ढूंढते। जिस पोजीशन में मैंने सोचा था कि होगा उस पोजीशन पे मिला नहीं है, बिल्कुल भी नहीं मिला है। गाइस अभी अभी ना मेरे को एक यहाँ से एक जीप वाला जा रहा था, उसने मेरे को रुकवाया, उसने बोला कि आपका ड्रोन खो गया क्या? तो मैंने बोला हाँ मेरा ड्रोन खो गया है। कह रहा है फिर उसने मेरी किसी से बात कराई, किसी बंदे को फ़ोन किया और बोला कि भाई वो ड्रोन इनका है और मुझे बोला है कि उनको खुश कर देना। तो भाई खुश तो मैं डेफिनेटली कर दूंगा, मेरे पास जो कुछ है फुटेजेस और वो जो 1.5 लाख रुपए का ड्रोन है वो सारा का सारा, बाय द वे मैं फ्लाई कर रहा हूँ Air 2, जब ये लिया था तो 1.5 लाख रुपए की इसकी कॉस्ट थी, अभी तो पता नहीं कितनी कॉस्ट है, बट फुटेजेस एंड ड्रोन कम्बाइंड इट इज़ अ वेरी वैल्यूएबल एसेट। अब मैं मतलब आई एम फीलिंग सुपर लकी कि अगर मेरा ये ड्रोन मिल जाता है, मतलब दिस इज़ गोइंग टू बी अ बिग अचीवमेंट नो, अगर ये ड्रोन मिल जाता है। पता नहीं यही वाले भैया हैं क्या, किसी गाड़ी से अभी लिफ्ट लूँगा, लिफ्ट ले लेके ही मैं इस तरह यहाँ तक पहुँचा था। भाई क्या किस्मत है यार, क्या किस्मत है कि ऐसे रेगिस्तान में अगर मेरा ड्रोन वापस मिल जाए। चलो चलो भाई, भाई ने लिफ्ट दे दिया है भैया, बस थोड़ा सा आगे पे उतार दो, कहीं भी जा आप जिधर जा रहे हो वहीं ले जा लो, यहीं पे उतार दो। चलो अपना ना यार ड्रोन खो गया यार, ड्रोन ढूंढ रहा हूँ मैं। हाँ चढ़ा दो ऊपर, आप ऊपर चढ़ा रहे हो, क्या मजा आ रहा है यहाँ तो। सो वैशाली वीर दिख गए मेरे को, अभी नहीं मिला पर मिल जाएगा। बताओ यहाँ पे हमारा लाख सवा लाख चला गया, इनकी फोटोग्राफी नहीं करा, नहीं मिला अभी पर मिल जाएगा। अरे झूठ क्यों बोलूंगा भाई, कहाँ है देख लो कहाँ है। तो ड्रोन तो नहीं मिला पर एक बंदा मिल गया है जिस बंदे के पास ड्रोन है, अब वो अपने क्लाइंट को छोड़ के आ रहा है और इनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। हाँ जी भैया यही वाली गाड़ी है ना आपकी जिसकी लाइट ऑन ऑफ हो रही है? मैं भैया सेकंड वाले ड्यून पे खड़ा हूँ पर ये मेरे को दिख गई आपकी गाड़ी भैया। मैं आ रहा हूँ नीचे भैया, ना नीचे आ रहा हूँ एक सेकेंड नीचे आ रहा हूँ। हाँ यही वाली गाड़ी है ना आपकी, आ गया भाई। अपनी किस्मत है बहुत अच्छी, आप ही भाई साहब के पास अपना ड्रोन है। आपको कहाँ मिला भैया ये? भैया के पास अपना ड्रोन मिल गया, अब देखें इसकी कंडीशन कैसी है। आपको कहाँ मिला भैया ये? इधर। इधर वाले डिजिट ये ना गुब्बारे से, भैया आपने अपना ड्रोन दे दिया है। आओ ना भैया ऊपर तक आओ एक बार, बस मैं आपके ग्रुप में डाल दिया ना, आपने देखा नहीं? हेलो नूरा। अच्छा आपने ग्रुप में डाला है? हाँ। अच्छा मैंने ग्रुप में नहीं देखा था, ये देख ये मैंने डाला था। ओह अच्छा या, ये ऐसे ही मिला आपको? ये लिख के मैंने भेजा था बीच वाले डिजिट का। हाँ आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम मुख्य है। आप मेरे वीडियो में आने वाले हो, मेरे को थोड़ा सा ऊपर चलो मैं आपको कुछ देता हूँ। भाई अपना ड्रोन मिल गया है, ये क्रैश हो गया था कहीं पे और भैया की गाड़ी में बैठ गया हूँ मैं। भैया बोल रहे हैं 1 लाख का है, मेरे को दे दे, तेरे को क्यों, तू पार्टी का है उसको मैं दूंगा। भैया बोल रहे हैं किसी ने उनसे मांगा था कि 1.5 लाख रुपए का है, भैया ने नहीं दिया। एक सेकंड ना भैया, वो वहाँ पे देखो जहाँ पे ऊँट है ना, वो छोटा सा बच्चा है ना, वहाँ तक ले जाओ अपने को, हम सारे मिलेंगे आपसे। हाँ सारे मिलेंगे, अब देखना है कि भाई इस ड्रोन में नुकसान कितना हुआ है। मेरे को एक बंदा भी बैठा साथ में, हाँ उसने बोला 1,30,000 का है। हाँ अरे लालची लोग कम नहीं है, लालची लोगों की कमी नहीं है।
तो भाई मैं अपने साथ वालों के पास पहुंच गया हूँ फाइनली। एक बार इसको अभी फ्लाई करके देखते हैं यार, ये चलता रहेगा तुम्हारा तो भैया 1.5 लाख रुपए का ड्रोन है ये, उनको दे दो भैया ने दिया नहीं। भैया धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और यही मैं बता रहा था, राजस्थान के लोग जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते जा रहा हूँ ना, वैसे वैसे लोग अच्छे होते जा रहे हैं। तो भाई इसमें नुकसान ये हुआ है कि एक प्रोपेलर टूट गया है, और हाँ मुख्तियार नाम है भैया को, हम पेटीएम कर रहे हैं थोड़ा बहुत थैंक यू बोलने के उसके हिसाब से। और देखें इसने कैप्चर क्या किया है और कितना और नुकसान हुआ है। एक तो प्रोपेलर गया है, एक प्रोपेलर चला गया है, बाकी प्रोपेलर्स ओके लग रहे हैं, पर अभी कैंप में जाके पता लगेगा इसमें और क्या नुकसान हुआ है। सो वैशाली और वीर हाय बोलना है सर, कैमल सफारी कर रहे हैं भाई। आई एम अगेंस्ट एनिमल क्रुएलिटी, तो मैं नहीं करता ये सारी चीज़ें, अपनी ओपिनियन किसी और के ऊपर डोमिनेट करूं अपने घर में भी, तो वो नहीं करना चाहता। तो ठीक है, इन लोगों को करना था, ये लोग चले गए। अच्छा लग रहा है, मतलब सुकून मिल रहा है बहुत ज़्यादा। किस्मत की टेस्टिंग हो गई, किस्मत बहुत ही बढ़िया है, मैं बहुत खुश हूँ भाई। मैं मेरे चेहरे से पता नहीं पता लग रहा है नहीं लग रहा मैं, पर मैं बहुत खुश हूँ कि ये ड्रोन अपना मिल गया। सो अपनी डेजर्ट सफारी हो गई है ख़त्म, अब ये हम रास्ते पे हैं। ओ भाई देखो ये है जीप, क्या केपेबल है भाई ये गाड़ी, अब ये बहुत ही क्रेजी है। मैंने पहली ऐसी औरत देखी है जो 7 महीना प्रेगनेंट है और डेजर्ट सफारी कर रही है, बहुत क्रेजी है। ना कराओ तो अभी चुड़ 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 हो रहा था। ओ भाई अरे हाथ दर्द हो गया फुल, खंबा पकड़े गाड़ी लेफ्ट राइट हो रही है। मेरे को लग रहा है वैशाली को भेजना पड़ेगा इसके बाद दिल्ली। पूरी की पूरी साइड सजी हुई है, बहुत सारे लोग हैं, अच्छा सा लग रहा है, बिल्कुल बढ़िया लग रहा है। तो जूते यहीं उतारेंगे, इसके बाद रूम के अंदर जाएंगे और फिर अपनी वेलकम ड्रिंक्स वगैरह। चलो कुछ तो दिक्कत है, बता बोलो तो हमारी वैन में अगर डक भी हो जाए तो उसमें तुम्हारे दर्द हो जाता है। रिकमेंडेशन, जब भी आप ऐसी लोकेशन में आओ तो अपना ताला खुद का लेके आओ। मैं जनरली अपना ये ताला चाबी लेके घूमता हूँ। सो अब यहाँ पे डांस का प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है, ट्रेडिशनल फोक डांस वाला प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है, मैं उसकी तरफ बढ़ रहा हूँ, देखते हैं क्या है। सारे गुजराती लोग हैं जो नाच रहे हैं। ड्रोन सही कर रहा था अभी अपना, ये वाला तो पूरा इसका दूसरा पंखा गायब है, ये प्रोपेलर पूरा टूट गया है, और ये दूसरा वाला जो पंखा है इसमें देखो ये यहाँ से एक कट लग गया है। तो अब मैं इनको तो फेंक दूंगा, मेरे पास एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स पड़े हैं, ये एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स को अभी फिक्स करने वाला हूँ। सो अपने कैंप के अंदर हम लोग आ गए हैं, वैशाली सो गई है, वीर नाच रहा है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा फुटेजेस एक जगह पे इकट्ठे हो जाएं ताकि हम उनको प्रोसेस करके व्लॉग्स में कन्वर्ट कर सकें। चलो आज का दिन यहीं ख़त्म करते हैं, कल सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम पे आपसे मिलता हूँ। आज हम लोग बेड पे सोने वाले हैं कैंप में, तो
तो काफ़ी अच्छा सा फील आने वाला है। वैसे गाड़ी में भी काफ़ी अच्छा फील आता है, बट ये ज़्यादा बड़ा बेड है। चलो सी यू गाइस, सी यू टुमारो।